हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार सिंह, राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज पीपीएससी TRE 3 का, पीपीएससी TRE 3, जी हाँ, TRE 3 का 6 to 8 का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। मैं पार्ट टू लेकर के आया हूँ। पार्ट वन मेरे पहले वीडियो में था, ये पार्ट टू है जो दूसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग क्लास पे चर्चा करते हैं और क्लास देखेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसमें आंसर मिला लेंगे। सभी बच्चों से पूर्ण निवेदन है कि आप लोग आंसर जरूर से जरूर मिला लें। आइए सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सवाल है हड़प्पा स्थल। जी हाँ, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। तो हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता अगर कही जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर त्रिभुजाकार रूप में बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। तो 1907 में, जी हाँ 1907 में, 26 अगस्त 1907 ईस्वी को, 26 अगस्त 1907 ईस्वी को दोराबजी जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। 76 नंबर सवाल देखेंगे, 76 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि सॉरी 3 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। तो थॉमस पेन की 2 पुस्तकें थी, कौन कौन, अमेरिकन क्राइसिस और कॉमन सेंस। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर कहा जाए तो अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने का मदद किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई। 4 नंबर सवाल देखेंगे, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, जी हां अभिनव भारत संगठन जिसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा बंबई में की गई थी। सावरकर जिन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की, लाला हरदयाल जिन्होंने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की, विपिन चंद्र पाल, इन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 6 नंबर सवाल, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निदेशक कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, जिन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कलकत्ता में की थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और 1904 ईस्वी में कहा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहकर संबोधित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे लॉर्ड कर्जन के समय में, राखाल दास बनर्जी, जी हां, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहन जोदड़ो की खोज की थी। 7 नंबर सवाल देखेंगे, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा। तो जी हां, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था। तस्कन समझौता कहा जाए तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को तस्कन समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत के तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान ने भाग लिया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव कुलदीप नैयर थे। आपके ए नंबर ऑप्शन में शिमला समझौता की चर्चा है। जी हां, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी भारत के तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। पंजाब में 1816 में फुलका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जी हाँ, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा, पंजाब में बंदा सिंह बहादुर के द्वारा फुलका विद्रोह किया गया था। खड़क सिंह क्रांतिकारी व्यक्ति थे। भगत सिंह, जिन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, 1917 की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, जी हाँ, बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूस की क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविकों का नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, कार्ल मार्क्स कहा जाता है। इसकी पुस्तक कौन सी? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। स्वतंत्रता समानता भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, 1854 का वुड डिस्पैच, जी हाँ, वुड डिस्पैच अगर कहा जाए तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच पद्धति आई गई थी। आधुनिक शिक्षा के सुधार हेतु वुड डिस्पैच पद्धति भारत में आई थी। आधुनिक शिक्षा के सुधार हेतु वुड डिस्पैच पद्धति भारत में आई थी। डलहौजी के शासनकाल में डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा की भी शुरुआत की गई थी। 1855 में संथाल विद्रोह डलहौजी के ही समय में हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के ही समय में हुई थी। 11 नंबर सवाल देखेंगे। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया, इन कैंप्फ, मेरा संघर्ष, दास कैपिटल, अगर कहा जाए तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली के एकीकरण में अगर कहा जाए, इटली का एकीकरण जो है वो 1871 में हुआ था। इसमें जोसेफ मेजनी और गैरिबाल्डी दोनों को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, बिस्मार्क। इन्हें जर्मनी का एकीकरण करने वाला माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। ताना भगत आंदोलन, जी हां, ताना भगत आंदोलन अगर कहा जाए तो 1917 में हुआ था और 1889 में भी ताना भगत आंदोलन हुआ था, बिल्कुल। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जिसके प्रणेता कौन थे? जतरा उरांव जनजातियों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। तो ऑप्शन क्या है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, झारखंड।
अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगृह, जिसे गिरिब्रज कहकर भी पुकारा जाता है, वसुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता है। महाभारत के प्राप्त स्रोत के अनुसार अगर कहा जाए तो मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। मगध के पहले राजा बृहद्रथ थे, इसी के पिता वसुचैत के द्वारा राजगीर का निर्माण किया गया, जिसे राजगृह कहकर पुकारा जाता है या जिसे गिरिब्रज कहकर भी पुकारा जाता है, और वसुचैत के नाम के कारण ही इसे वसुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी गंगा और सोन नदी के तट पर। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1903 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व है? तो इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया, सही है। इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, यह भी सही है। इसने वियत मिना की स्थापना हुई, यह भी सही है। आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1930 में येन बाई विद्रोह हुआ था वियतनाम में। 16 नंबर सवाल, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी, आर्थिक समानता और समाजवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इन सभी मांगों से प्रेरित थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना, जी हाँ, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो वीर राघवाचारी के द्वारा द हिंदू की स्थापना की गई थी अंग्रेजी भाषा में मद्रास से। महात्मा गांधी, जिन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन, मार्च 1919 में यंग इंडिया, सितंबर 1919 में नवजीवन और 1932 में हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था, सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण, जिसे गैंगिंग एक्ट कहकर पुकारा जाता है या देसी भाषा समाचार अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो अंबिका चरण मजूमदार, जी हाँ। गरम दल और नरम दल तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से एकजुट होते हैं, वही तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट होते हैं। तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदांत जैसी पुस्तकों की रचना की, तिलक ने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। वहीं एनी बेसेंट, जिन्होंने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका की स्थापना की। कहा जाता है एनी बेसेंट, जिन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में होम रूल लीग जैसे संगठनों की स्थापना की मद्रास के अड्यार शहर में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर सवाल, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा बी, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। 20 नंबर सवाल देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? यजुर्वेद, जी हाँ, यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, कुल 108 उपनिषद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ऋग्वेद कहकर पुकारा जाता है। कुल 10 मंडल हैं, 1, 8, 9, 10 क्षेपक कहलाता है, वहीं 2 से लेकर के 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, जी हाँ, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के
द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? स्टेलिनग्राद की लड़ाई जो है जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। तो ये पूरा हुआ आप लोगों का 6-8 का। हिस्ट्री सेगमेंट का पूरा क्वेश्चन, चाहे 40 हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या 8 जीएस पेपर के क्वेश्चन हो, वो सारा पूरा कर दिया गया है। तो मैंने 1-5 करवाया है, 9-10 करवाया है, 6-8 करवाया, बहुत जल्द 11-12 का हिस्ट्री मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिहार ही नहीं यूपी के बच्चों को भी शेयर करें, जिससे आंसर मिलाने में उन्हें सुविधा हो। धन्यवाद।